हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपसे अपना सेटअप विज़िट कराऊंगा, और क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न आ गया है इसलिए मैंने मटकियों को धो के रखा हुआ है ताकि मैं इनमें अपने केजों में लगा सकूं। ये वीडियो मैंने 10-12 दिन पहले बनाई थी लेकिन मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाया था। ये देखिए, ये मेरी सारी मटकियाँ रखी हुई हैं, ये पीछे नेस्टिंग मटेरियल भी रखा हुआ है। मैंने इनको अच्छे से धो लिया है ताकि इनके अंदर कुछ गंदगी ना रह जाए। मुझे इसको इन नॉन रिंग और रिंग लवबर्ड में लगाना है। ये मेरा सेटअप है दोस्तों। गर्मी की वजह से मैंने आजकल इसमें पंखा भी लगा रखा है। और ये मेरे कॉकटेल का सेटअप है। ये देखिए, अब मैं ये नेस्टिंग मटेरियल इसको अलग करके इन हांडियों में रखूँगा क्योंकि लवबर्ड पहले नेस्टिंग करता है ताकि वो नेस्टिंग में ज़्यादा टाइम ना ले। इसको मैं हांडियों में नेस्टिंग मटेरियल डाल दूँगा, बाकी जो थोड़ा बहुत होगा वो लवबर्ड अपने हिसाब से कर लेगा। ये देखिए, इस तरह हांडी में नेस्टिंग मटेरियल डाल दिया है मैंने। अब इसी तरह मैं सारी हांडियों में डालूँगा। इसको इस तरह से डाला जाता है, थोड़ा इस तरफ से और थोड़ा फिर दूसरी तरफ से, ताकि ये पूरा अंदर से कवर हो जाए। ये देखिए, इसमें मैंने डाल दिया कुछ नेस्टिंग मटेरियल। मैं केज में छोड़ दूंगा जिससे लवबर्ड अपने आप से उठा ले। ये देखिए, मैं ज़्यादातर में नेस्टिंग मटेरियल डाल दिया है। अब मैं इसको टांगने की तैयारी करता हूँ। ये थोड़ा नारियल का है, नारियल के बाल इसको कहते हैं। इसको भी मैंने छोड़ दिया अंदर नेस्टिंग मटेरियल के लिए। ये अंदर मैंने केज में डाल दिया है जिससे अगर लवबर्ड इसका यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, अब मेरे सारी मटकियाँ लग गई हैं। ये मेरे नॉन रिंग लवबर्ड का सेटअप है और जाली के उस तरफ रिंग लवबर्ड का सेटअप है। ये देखिए, अब लवबर्ड अपनी अपने हिसाब से मटकियाँ चूज़ कर लेंगे। देखिए, कुछ ने चूज़ करना चालू भी कर दिया है। देखिए, मैंने इनको अच्छी तरह से लटका दिया है ताकि मैं इनसे ब्रीड ले सकूँ। मटकियाँ हमेशा एक दो ज़्यादा ही लगानी चाहिए क्योंकि जब लवबर्ड चूज़ करते हैं तो उनमें आपस में लड़ाई ना हो। देखिए, मेरे पास हर तरह के मिक्स कलर के नॉन रिंग लवबर्ड्स हैं। और ये अंदर मेरे रिंग वाले लवबर्ड की कॉलोनी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी वीडियो सेंड कर सकूँ।